भाजपा प्रदेश कार्यालय दीपकमल में भाजपा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने भारत का तिरंगा फहराया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं वे अपने आप में अनूठे हैं। उन्होंने कहा कि जहां केंद्रीय सरकार का कर्तव्य है, केंद्रीय अधिकारियों का कर्तव्य है, जहां प्रदेश की सरकारों को अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, वहीं 140 करोड़ देशवासियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करना है और इसके लिए रिफॉर्म्स लाने होंगे। आज पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। समूचे हिमाचल वासियों को, समूचे देशवासियों को आज के स्वतंत्रता दिवस की शत शत बधाई। इस मौके पर देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं वो अपने आप में अनूठे हैं। उन्होंने कहा कि आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है, हमें कर्तव्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जहां केंद्र सरकार का, केंद्रीय अधिकारियों का कर्तव्य है, जहां प्रदेश की सरकारों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, वहीं 140 करोड़ देशवासियों अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की कड़ी के अंदर खड़ा करना है। इसके लिए रिफॉर्म्स लाने होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संस्था को इस वर्ष में कम से कम 2 रिफॉर्म करने चाहिए। वो पंचायती राज संस्थाएं हैं, वो जिला की संस्थाएं हैं, वो नगर निकाय हैं, वो प्रदेश की सरकारें हैं, वो देश की सरकार है, वो सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी को और व्यक्तियों को 2 रिफॉर्म्स करने चाहिए। यदि इस प्रकार 2 रिफॉर्म करेंगे तो पूरे देश के अंदर लाखों रिफॉर्म्स हो सकेंगे और मेरा देश रिफॉर्म्स करता हुआ ट्रांसफॉर्म करेगा। मोदी जी ने कहा कि मेरे देश के लिए परिवारवाद उस प्रकार से है जैसे राजशाही राजाओं के परिवार होते थे, वो सत्ता चलाते थे। परिवारवाद मेरे देश को किसी तरह भी स्वीकार्य नहीं है, वो प्रदेश की, देश के विकास के अंदर घातक है। मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत के ऊपर सहन नहीं होगा। मोदी जी ने कहा कि देश का विकास ज्ञान के आधार के ऊपर होना चाहिए। ज्ञान जी से गरीब या वाई, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और ना, एन से नारी। इस प्रकार देश का विकास और गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के आधार के ऊपर होगा, उसके लिए मोदी जी ने कहा कि हम कृत संकल्प हैं। शिक्षा और दुनिया के लिए भारत शिक्षा के मामले में मार्गदर्शक बने, इसलिए नालंदा को दोबारा से स्थापित करते हुए देश को दुनिया का और शिक्षा का हब बनाने का एक संकल्प भारत ने लिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेरा देश एक भारत के रूप में खड़ा हो, जाति एक विष की तरह से मेरे देश को निगल ना जाए, इसीलिए भारत का संविधान श्रेष्ठ संविधान है जिसके अंदर और सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और विश्व में भारत और तीसरी आर्थिक महाशक्ति ये हम बनाएंगे, ये मोदी जी ने कहा हमारा संकल्प है और हम इसको तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे। मोदी जी ने कहा कि हमारे देश के लिए समान नागरिक संहिता ये नितांत आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार इस बात का निर्देश दिया है कि कॉमनल सिविल कोड नहीं होना चाहिए,
यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और जो आज का सिविल कोड है, आज की नागरिक संहिता है, ये और पूरी तरह से कॉम्युनल नागरिक संहिता है, सेक्युलर नागरिक संहिता, सेक्युलर सिविल कोड की आवश्यकता है। मोदी जी ने कहा, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, उससे अरबों करोड़ों करोड़ों रुपए के खर्चे का और बहुत बड़ी रक्षा होने वाली है और देश का विकास सुनिश्चित होने वाला है। इस प्रकार मोदी जी ने आने वाले समय के लिए देश के लिए एक मार्गदर्शन मार्गदर्शक चित्र, उसकी परिकल्पना आज देश के सामने रखी है। मैं एक बार फिर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 78वें और स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।